मिशन यूथ के तहत रामाकुंडा में हमने फेस्टिवल रखा, जहाँ पे बच्चों को, यहाँ पर जो यूथ है उनको इंगेज करना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे आपने देखा वॉलीबॉल मैच हुआ, टग ऑफ वॉर हुआ, कबड्डी का मैच हुआ, और उसके अलावा जो स्टोन लिफ्टिंग कंपटीशन हुआ, और बच्चों का इंतुजियाज़म देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि इतनी ठंड में भी बच्चे खेल रहे थे, उनके जज्बात, उनका एनर्जी जो लेवल था वो टोटली हाइट पे था। और इस 8000 की हाइट की ऊपर हम जो बैठे हैं यहाँ पर सी लेवल से, जो इसकी हाइट है इस जगह की, रामाकुंडा जिसको कहते हैं, मेरा फर्स्ट विज़िट है, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये एक शुरुआत की है हमने कि जब मई के महीने में जब मौसम यहाँ पे अच्छा होता है और टूरिज़्म आता है, तो उस वक्त हम टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मैं बेसिकली कोशिश कर इस जगह की, अब टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वही एक्टिविटीज़ को देखने के लिए आए। और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी धीरे धीरे चल रही है, और जल्दी से जल्दी हमारी रोड्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, और मुझे उम्मीद है लोगों ने काफ़ी यहाँ पर आके बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, सब आए, दूर दूर से आए, मैं सभी का धन्यवाद भी करती हूँ, और होप करती हूँ कि एक फेस्टिवल जो है ये एक रेगुलर फीचर बनेगा, ताकि हर साल यहाँ पर सब आएँ और पार्टिसिपेट करें और इस जगह को पॉपुलराइज करें। थैंक यू। HSS मोहर वर्सेस मोना बोल्स नेक्स्ट वॉलीबॉल के लिए तैयार हैं। बुद्धन की टीम जो जीती है, अपनी नोयत का ये तलब है कि वो इंडिया